हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टैरो स्टॉक पे। आर्कएंजल गैब्रियल को कम्युनिकेशन का एंजल, देवदूत कहा जाता है, मार्कएंजल कहा जाता है। आर्कएंजल गैब्रियल ने ही मदर मेरी को जाकर के, अगर हम क्रिश्चियन टेक्स्ट और बिलीव्स में झांक के देखें तो आर्कएंजल गैब्रियल ने जाकर के ही उन्हें वो संदेश दिया था, उन्हें वो कम्युनिकेट किया था ईश्वर के वचन को कि उनके घर में जीसस का जन्म होगा, ईश्वर के पुत्र का जन्म होगा। ऐसे में अगर हम देखें तो आर्कएंजल गैब्रियल का रोल हमारे जीवन में कम्युनिकेशंस के लिए, मैसेजेस के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आर्कएंजल गैब्रियल हमें उसमें हेल्प करते हैं। अपने आप को खुल करके बिना डर के कहने में भी आर्कएंजल गैब्रियल हमें मदद करते हैं। तो आज की ये रीडिंग उन्हीं आर्कएंजल गैब्रियल के चैनल मैसेजेस पर है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन को करने में, कहाँ पर इन कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, आप वो अब्सॉर्ब करें, वो लीजिए जो आपसे रेजोनेट करे, और वो छोड़ दें जो आपसे रेजोनेट ना करे। और जानें कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको आपके जीवन में, अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन लव करियर दोनों से रिलेटेड है, तो आखिर वो कम्युनिकेशन आपके जीवन में कब तक आएगा और क्यों उसमें डिले हो रहा है, तो आज की ये रीडिंग हम इसी टॉपिक पर करेंगे। So Archangel Gabriel, please guide them upon the communication that they are waiting with respect to their love or their career. What is an issue that is coming up, or kya यहाँ पर सुलझाने की, समझने की जरूरत है? ओके, सो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है टू ऑफ वंड्स का, द फूल का, एस ऑफ वंड्स का, जजमेंट का, टू ऑफ कप्स का, एम्प्रेस का और मून का। एक जो इसकी हिडन एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से वो है टेन ऑफ वंड्स की, और हम एक और हिडन मैसेज निकालेंगे इस रीडिंग पे, वो है द लवर्स का। तो इस रीडिंग में अगर हम यहां पर देखें और आर्कएंजल गैब्रियल के इस मैसेज को समझने की कोशिश करें, तो आप अपने जीवन में जिस भी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वो आपके जीवन में आना डिस्टिंक्ट है, लिखा है। एम्प्रेस और एस ऑफ वंड्स उसी श्योरिटी को दिखाता है, टू ऑफ कप्स उसी रिजल्ट को, आउटकम को दिखाता है। इसमें जहाँ तक हम देखें तो अगर आप अपने पर्सन से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या आप अपने करियर रिलेटेड किसी कम्युनिकेशन का किसी कंपनी से वेट कर रहे हैं, तो जो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की और देखने की ज़रूरत है वो ये है कि टेन ऑफ वॉन्ड्स की जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो प्रेशर की आ रही है, लोड की आ रही है।
हम कह सकते हैं कि जो भी पर्सन कंसर्न्ड है उसके ऊपर इतना प्रेशर है, उसके ऊपर इतना लोड है कि वो द लवर्स की जो एनर्जी है, जो उसे डिसीजन लेना है वो नहीं ले पा रहा है। वो एक तरीके से खुद को आउट ऑफ साइट, ब्लाइंड महसूस कर रहा है, अंधा महसूस कर रहा है, और उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करना सही है और कब करना सही है। द मून है, तो द मून के साथ एक तरीके का फियर भी है, एक तरीके के अननोन इश्यूज भी हैं इसमें, जो कि आपको नहीं पता है सामने वाले पर्सन के बारे में। हो सकता है वो किसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, हो सकता है उनके जीवन में किसी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें से वो समय न निकाल पा रहे हों। वहीं अगर बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, स्पार्क, वो आपकी तरफ डायरेक्टेड है। वो जो तीर है वो तीर आपके तरफ डायरेक्ट किया गया है, बस उसे कमान में से निकलने की देर है। द फूल की बात करें तो ये आपके लिए वो पुश ला रहा है, वो एनर्जीज का फ्लो दिखा रहा है ये, कि वो फ्लो आपकी तरफ है और आने वाले कुछ दिनों में कभी भी ये काम, ये कम्युनिकेशन जो आपकी तरफ आना है वो आ सकता है। जरूरत सामने वाले पर्सन के अंदर सिर्फ इतनी है कि उसे इन छोटी परेशानियों से ऊपर उठ करके, जजमेंट की तरह ऊपर उठ के खुद को उनसे लिबरेट करके चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब अगर हम इसे लव कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो जो आपके पर्सन हैं जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी तरीके की ऐसी इश्यूज़ में फंसे हों, खुद के किसी एंजाइटी में फंसे हों जिससे कि वो समय ना निकाल पा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड हो सकता है, पर उन्हें ये पता है कि उन्हें ये काम करना है। द ओनली थिंग इज कि उन्हें को ये नहीं पता कि वो कैसे इसको अंजाम दें, कैसे उस कम्युनिकेशन को करें। हो सकता है कि उतनी हिम्मत ना जुटा पा रहे हों, हो सकता है कि खुद को असहाय महसूस कर रहे हों और उस असहाय की एनर्जी से खुद को ऊपर उठाने की ज़रूरत है और खुद में विश्वास लाने की ज़रूरत है। द फूल का कार्ड, द फूल के कार्ड के साथ खुद के अंदर वो विश्वास लाने की ज़रूरत है और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो अब उस चैनल, उस गेटवे का, उस रास्ते का प्रयोग करेंगे जो कम्युनिकेशन का उनके तरफ से खुला है। अगर यहाँ पर ब्लॉक जैसी सिचुएशंस हैं तो भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जल्दी ही उस स्ट्रिक्ट डिसीजन को लेकर के मैच्योरिटी के साथ एक्ट करते हुए वो उस पुश को फील करेंगे, वो उस फायर को फील करेंगे और खुद को लिबरेट करके आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उस पेशेंस का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं और जो आपके साथ हो रही हैं वो उन्हें नहीं पता है, पर समय के साथ जब ये डिस्टिंक्ट टाइम आएगा तब ये होगा आपके लिए। एक चीज़ जो इसमें हर कोई बताता है कि आपके लिए ये कॉल एक हफ्ते में आ जाएगा, एक महीने में आ जाएगा, हमें यूनिवर्स के, एंजल्स के काम करने के तरीकों पर समय की पाबंदी कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे हम उनके ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं, क्योंकि टाइम है जो, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी ये बातें कहता हूँ, टाइम जो है वो इस पृथ्वी पर लोगों के द्वारा बनाया गया एक एंटिटी है, एक क्वांटिटी है, लेकिन ये टाइम उस हायर डायमेंशन में, उस हायर पावर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो एंडलेस है। तो इसीलिए किसी भी टाइम के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। आप ये ऑप्टिमिस्टिक रहें और इस रीडिंग के साथ ये जानें कि वो कम्युनिकेशन आपके लिए डिस्टिंक्ट है और आपके लिए वो आएगा, वो रास्ता खुला है, एनर्जीज मूव कर रही हैं, वो पर्सन वो स्पार्क फील करेंगे, खुद को लिबरेट करेंगे और उस तरफ वो डिसीजन लेंगे साथ आने का, वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे उस क्लोजनेस को बढ़ाने का, उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सरफेस पे ला करके बात के ज़रिए ज़रूर रिजॉल्व करेंगे और फाइनली आपको आपके हार्डवर्क का फल मिल जाएगा। अब अगर हम इसे करियर कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो भी आपका बॉस हो,
जो आपको हायर करने वाला हो, जो एचआर हो, या जो इंटरव्यू जिसने भी आपका, जहाँ से भी आपको ये कॉल आनी है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स या उसके ऊपर खुद इतना वर्कलोड हो सकता है, या वो हो सकता है और लोगों को भी असेस कर रहा हो, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली है। ये बात सही है कि आपको आपके और दूसरों के बीच में चूज़ करना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके तरफ इंक्लिनेशन, आपकी तरफ झुकाव महसूस करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, इस पर्सन को जिसे मुझे हायर करना है, आप व्यूवर को, उसके अंदर वो फायर है, वो स्पार्क है, वो खुद को और आपको औरों से ऊपर उठा करके जज करेगा। जो भी अगर उसके मन में कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर के कि आप पूरी तरीके से पोटेंशियल हैं या नहीं, वो उनको दूर करेगा। आपके हार्डवर्क का फल, आपके पेशेंस का फल आपको समय आने पर ज़रूर मिलेगा। एक बात दोनों तरीके की रीडिंग्स में यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एम्प्रेस जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमन, मदरहुड का कार्ड होता है, तो एक बच्चे को डेवलप होने में वूम्ब के अंदर समय लगता है। गर्भ में एक बच्चे को डेवलप होने में 9 महीनों का, कभी कभी उससे ज़्यादा का भी रेयर केसेस में लगता है, पर उतने दिन मदर अपने बच्चे को लेकर के पेशेंट रहती है। तो इसीलिए आपकी जो लव लाइफ है उसको आप इसी तरीके से, इसी केयर के साथ, अपने करियर को इसी केयर के साथ हैंडल करें, और किसी तरीके की जल्दबाजी न करें, किसी तरीके की फोर्सफुल सिचुएशन को न आने दें। आप अपने अंदर विश्वास रखें कि आप अच्छे तरह से इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इसका ध्यान दे रहे हैं, और वो सही समय आपके पास सही समय पर ज़रूर आएगा। आपके लिए हम एक आर्कएंजल गैब्रियल से चैनल करते हुए एक और कार्ड निकालेंगे चक्रा कार्ड से, और देखेंगे कि वो आपको इसके ओवरऑल पर क्या बताना चाहते हैं। और आपके लिए जो कार्ड आता है वो है डिवाइन विजडम का। ये डिवाइन विजडम का कार्ड जब यहाँ पर आ जाता है तो इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि समय के कंस्ट्रेंट से खुद को आगे उठाना है, किसी भी चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, पेशेंट रहना है। ये डिवाइन विजडम है। इस डिवाइन विजडम को अब्जॉर्ब करके, इस डिवाइन विजडम को एक्सेप्ट करके, उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को मोल्ड करने की कोशिश करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। जो चीज़ें, जो कॉल्स, जो मैसेजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींच करके चली आएगी। बस उस सही डिवाइन विजडम को समझने की, इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपने जाना कि आप जिस भी तरीके के कॉल का वेट कर रहे हैं, भले आपके पर्सन से, आपके लव पार्टनर से, या आपके करियर प्लेस में किसी तरीके के मैसेज का, किसी तरीके के ऑफर लेटर का अगर आप वेट कर रहे हैं, वो समय के साथ आपकी तरफ ज़रूर आएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।